सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरी एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर आप अपने क्लाइंट की डील को बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर करना चाहते हैं तो डू नॉट ट्राई टू कन्विंस योर क्लाइंट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। हम में से बहुत सारे लोग अपने ग्राहक को हमेशा प्रोडक्ट बेचने के लिए कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं समझना चाहता कि कोई व्यक्ति उसको कोई चीज बेचकर निकल जाए। हर व्यक्ति अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार चीजों को खरीदना पसंद करता है, इसीलिए डू नॉट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट टू योर एंड यूजर और योर कस्टमर, एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प हिम टू बाय हिज डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को यदि प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका डील का रेशियो बहुत अधिक ज्यादा लेवल पर मैच्योर ना हो, लेकिन यदि आप ग्राहक को उसकी आवश्यकता अनुसार चीज को खरीदने में मदद करेंगे तो आपकी रेशियो ऑफ मैच्योरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। और एक क्लाइंट जब अपनी जरूरतों को जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, आप उतने ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी आवश्यकता को समझना शुरू कर देंगे। और यदि आप एक बार अपने ग्राहक की सारी आवश्यकता को समझ जाएं तो आसानी से उसकी आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट खरीदने में उसकी मदद कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन। हमेशा अपने ग्राहक के कंसल्टेंट के रूप में काम करें, उसको उसकी आवश्यकता अनुसार चीज खरीदने में मदद करें। ऐसा करने पर आप अपनी सेल को कई गुना आसानी से बढ़ा पाएंगे। मन को छोटा मत कर, सामने है आकाश, हर मंजिल मिल जाएगी, गरले मन में ठान, और प्रतिभा खुद में जो छुपी उसको ले पहचान। अगर आप अपनी सेल्स के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो ट्राई टू बी कंसल्टेंट फॉर योर बायर। अपने ग्राहक के लिए कंसल्टेंट के रूप में काम करें, कोशिश करें कि आप उसको उसकी आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट खरीदने में हमेशा मदद करें। अपने क्लाइंट को उसकी जरूरत और उसके समय के अनुसार फॉलो करें। सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ यू ही इज योर किंग। ग्राहक की जरूरत को समझें, उसकी जरूरत से संबंधित प्रश्नों को उसके सामने रखें। आप उससे पूछें कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, प्रोडक्ट में क्या फीचर चाहिए, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि ग्राहक को किस फीचर से कौन सा फायदा हो सकता है। आज बहुत सारे सेल्समैन नए कंज्यूमर्स की खोज में अपना बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूछते हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन के बारे में पूछते हैं तो आपके कंज्यूमर का फेथ आपकी सेल्समैनशिप पर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आपको रेफरल बिजनेस भी फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से उनके प्रोडक्ट से संबंधित रिव्यूज जरूर लें, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट से उनके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट के रिव्यूज लेते हैं तो उनको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें, और जिस भी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति का कमेंट हमें पसंद आता है उन्हें हम इनवाइट करते हैं हमारे मेटास क्लब के इस चैनल पर। तो आज हमारे साथ में दीपक कुमार पांडे जी जो झारखंड से आए हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दीपक सर, आप हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, मैं दीपक कुमार पांडे, डाल्टनगंज पलामू झारखंड से। मैं सर का वीडियो बराबर देखता हूँ, बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ। उनके वीडियो को देख करके मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनके वीडियो को देखें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। दीपक सर, हम लोगों की एक प्रथा है, जो भी हमारे गेस्ट हमारे चैनल पे आते हैं हम एक मोमेंटो के साथ उनका स्वागत करते हैं ताकि आजीवन वो हमेशा याद रखें कि हम लोग मेटास क्लब पर मिले। थैंक यू।